खबर रीवा जिले से है, जहां भाजपा कार्यालय पहुंची दो दर्जन से अधिक कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के बुलडोजर को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा। दरअसल बैतूल में युवती के साथ दुष्कर्म होने की बात कहकर कांग्रेस पार्टी की नेत्रियों ने भाजपा नेता पर आरोप लगाया, लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने उक्त भाजपा नेता का नाम पूछा तो महिलाओं की बोलती बंद हो गई। कुल मिलाकर धरना प्रदर्शन कर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को ही नहीं मालूम कि किसके ऊपर आरोप है और वह क्या करना चाहती हैं। झंडा लेकर भाजपा कार्यालय पहुंची और काली पट्टी बांध कर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दी। जब पत्रकारों ने पूछा कि हो सकता है कि दुष्कर्म करने वाला कांग्रेसी हो, आप कैसे भाजपा नेता पर आरोप लगा सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि यह पुलिस का काम है। आइए आप भी सुनिए कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने वाली महिला कांग्रेस नेत्रियों को, जिन्हें हो रहे महिला अपराधों के संबंध में ना तो जानकारी है और ना ही उनका उद्देश्य, बिना जानकारी के किस तरह से धरना प्रदर्शन कर मीडिया में बनी रहना चाहती है। आज हम लोग घेराव किए हुए हैं जो बैतूल में बच्ची के साथ रेप हुआ है, और हम ये नहीं जानते कि नाम हमको बताना चाहिए। वो प्रशासन का काम है कि वो नाम ढूंढे कि किसने किया है। हमारा काम नहीं है कि हम किसी का नाम ढूंढे। भाजपा नेता के ऊपर आरोप लगा रही है, भाजपा नेता है कि नहीं है या कांग्रेस का ही नेता है, ये प्रशासन पता करेगी। आप कैसे कह सकते हो? नहीं नहीं, कांग्रेस का नेता नहीं है, ये प्रशासन पता करेगी कि किसने किया। आपको इतना पता है कि भाजपा नेता, लेकिन ये नहीं पता है कि उसका नाम क्या है। नहीं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ना भाजपा नेता का ले रहे हैं ना किसी का ले रहे हैं। उसके साथ रेप हुआ है, हम ये जानते हैं। जिसने रेप किया है उसके लिए हम लोग आज दंड मांगने आए हैं कि उसको कम से कम उसको ऐसा मिलना चाहिए दंड उसको कि उसके रो काम जाए और बीच चौराहे में उसको लटका करके फांसी दे दिया जाए। ऐसा क्यों नहीं प्रावधान किया जा रहा सरकार के द्वारा? और मामा जी के जब से राज्य आई है तब से मामा जी बिल्कुल ऐसा है कि किसी दिन हर समय पेपर में पढ़िए तो हर समय जो है रेप 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 कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ घटना घट रही है। तो हम लोग सुरक्षा मांगने के लिए आए हैं प्रशासन से कि बच्चियों को सुरक्षा दिया जाए। बच्चियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और हम नाम नहीं जानते कि किसका है, क्योंकि हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, नाम जानते हैं। पर ये प्रशासन का काम है कि प्रशासन उसको ढूंढे और उसको सजा दे, न्याय मिलना चाहिए बच्ची को। बच्चियों के साथ ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए, क्योंकि बच्चियां भी बेटे के बराबर ही होती हैं। और ऐसा बैतूल में हुए हैं, 14 वर्षीय महिला वो बेटी के साथ भाजपा नेता ने जो दुष्कर्म किए हैं, तो कहाँ गए वो मुख्यमंत्री जी जो बच्चियों के मामा बने फिरते थे? आज वो बच्चियों के साथ इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, उनका बुलडोजर कहाँ खड़ा है? कि भाजपा नेता मतलब यही कर रहे हैं, इस समय बलात्कार पर उतारू हैं और रेप कैपिटल बन गया है पूरा मध्य प्रदेश, यूपी हो एमपी हो, हर जगह है, आए दिन यही घटनाएं फ्रंट पेज में छपती है कि आज यहाँ पे हो गया बलात्कार, आज यहाँ पे हो गया बलात्कार। तो कब चलेगा मामा का बुलडोजर? और मामा का बुलडोजर है कहाँ पे? इस समय दिखाई नहीं दे रहा है कि मामा का बुलडोजर कहाँ पे है। तो नेता बैतूल के नाम क्या हुआ? बैतूल के भाजपा नेता हैं, और जिसने किया जिनको आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन हुआ रोक, उनका नाम क्या है? उनका नाम भी बताएंगे हम कि वो कौन है। तो इतने बड़े नेता हो के, भाजपा के नेता, और इस तरह के गंदी हरकतें करते हैं कि बच्चियों के मामा, जब देखो तो बोलेंगे कि हम बच्चियों के मामा हैं, हम बच्चियों के साथ ऐसा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, सब कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन ये घटनाएं होते इतनी शर्मिंदगी की बात है। और हम सभी आज कांग्रेस की महिलाएं यहीं भाजपा कार्यालय के सामने धरने पे बैठे हैं, और हम सब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें। कब देंगे मुख्यमंत्री जी इस्तीफा, इसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। और मामा का बुलडोजर कहाँ गया?